नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड पुडिंग। जब कभी आपका मीठा खाने का मन करे या फिर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये डेज़र्ट आराम से बना सकते हैं। तो चलिए कस्टर्ड पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप दूध लिया है और इसे गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। दूध के गर्म होते ही मैंने इसमें 4 चम्मच शक्कर ऐड की है। और इसके बाद मैंने 1 कटोरी में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसमें थोड़ा सा ठंडा दूध मिलाकर उसे अच्छे से फेंट लिया है। मैंने यहाँ पे बटर स्कॉच लिया है, आप चाहें तो किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसे बॉयल दूध में ऐड कर दिया है। कस्टर्ड ऐड करते ही इसे लगातार चलाना है और गैस की फ्लेम लो रखनी है। ये पक चुका है, इसमें बबल दिखने लगे हैं, तो हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और तब तक हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इलायची फ्लेवर के बिस्किट को तोड़कर मिक्सी जार में क्रश कर लिया है। आप चाहें तो किसी भी फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं, वो बस सॉल्टी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेड ली है और 1 गिलास की हेल्प से इसे इस तरीके से राउंड कट कर लिया है। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं या फिर लेंथ वाइज भी कर सकते हैं। ब्रेड के ऊपर मैंने चॉकलेट फज लगाया है, आप चाहें तो जैम यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं। इस पुडिंग को बनाने के लिए आप टोस्ट यूज़ कर सकते हैं, यदि आपके पास मिठाई रखी है तो वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पैकेट वाले केक रखे हुए हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये सारी ब्रेड पे अच्छे से लगा दिया है। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, तो चलिए पुडिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, आप चाहें तो पुडिंग ट्रे भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने सबसे पहले 1 कस्टर्ड की लेयर लगाई है और उसके ऊपर मैंने चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट यूज़ किया है। उसके ऊपर से मैंने फिर से कस्टर्ड की लेयर लगाई है। इसके बाद मैंने इसमें क्रश किया हुआ इलायची वाला बिस्किट डाला है और इसको फिर से कस्टर्ड से कवर किया है। इसके बाद मैंने इसमें ब्रेड लगा दिया है। लास्ट लेयर मैंने कस्टर्ड से कवर कर दिया है और ऊपर से बिस्किट का चूरा और टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, यदि आपके पास ड्राई फ्रूट है तो वो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ग्रेटेड नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, तो इसे सर्व कर लेते हैं। और देखिए घर में रखे सामान से ये यमी सा डेजर्ट तैयार है। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।